वेलकम स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में मॉडुलस से रिलेटेड ग्राफ और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का इट मींस लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन एफ सच दैट आर डिनोटेड आर वाई वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर सच ए फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन रियल नंबर है तो रियल होगा, नेचुरल है तो नेचुरल होगा, इसके रेंज भी हमारा रियल नंबर होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन पे बात करते हैं। यदि हमारा वाई एफ एक्स है यानी एक्स के इक्वल है, यदि मैं एक्स इक्वल यदि यहाँ वन रखता हूँ तो वाई वन आता है, माइनस वन रखता हूँ तो माइनस वन आता है, एक्स टू रखता हूँ तो टू आता है, माइनस टू रखता हूँ तो माइनस टू आता है। तो जो हमारा ग्राफ है एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है। यदि मैं एक्स वन रखता हूँ तो वाई भी वन आ रहा है, एक्स इक्वल टू रखता हूँ तो वाई भी टू आता है, इसी तरह माइनस रखता हूँ तो माइनस आता है। जब हमारा एक्स और वाई की वैल्यू कंटिन्यूस लगातार यानी एक जैसी वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ड्रा ए ग्राफ। तो ड्रा ए ग्राफ। तो ग्राफ के लिए इफ वाई इक्वल एफ एक्स यानी एक्स, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस टेबल पर फोकस करते हैं। यहां पर एक्स और एफ एक्स, यदि मैं माइनस टू रख रहा हूं तो माइनस टू, माइनस वन रख रहा हूं तो माइनस वन, और जीरो रख रहा हूं तो जीरो, इसी तरह प्लस वन रख रहा हूं तो प्लस वन, प्लस टू रख रहा हूं तो प्लस टू आ रहा है। अब जो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो उस ग्राफ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। ये कोई एक्स एक्सिस और ये कोई वाई एक्सिस, जीरो पर जीरो, वन पर वन, टू पर टू। जब एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल होती है तो हमारा जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है, अर्थात वाई इक्वल एक्स। इसी तरह जब हम माइनस रखते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो यहाँ पर भी वाई इक्वल एक्स, यानी ये भी माइनस आपस में कैंसिल होगी। तो हमारा आइडेंटिटी का जो ग्राफ होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा, वो ओरिजिन से पास होगा, एक्स वाई की वैल्यू इक्वल होगी और एंगल जो बनता है 45 डिग्री का बनता है। ये हमेशा हमें लर्न करना चाहिए, जब भी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा उसका एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये हमने जो ड्रा किया है आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। इसी तरह यहाँ वाई इक्वल टू एक्स है, तो हम जो भी एक्स की वैल्यू रखेंगे y हमारा यानी ट्वाइस होता जाएगा। यदि हम 3x रख देते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह हम आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ पे अपना फोकस करते हैं और इसकी जो रेंज होती है, रियल नंबर है तो रियल नंबर, डोमेन जो भी है हमारा रियल है तो रियल ही गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट फंक्शन। Let R be the set of real numbers. Define the real value function f such that R denoted R by y equal fx. अब हमने x की जगह c रख दिया, where c is a constant. Such a function is called constant function. तो constant function का domain constant होगा और range भी इसका constant होगा। अब यहाँ कॉन्स्टेंट से अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ड्रा ए ग्राफ।
तो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल सी। अब इसका जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ये एक्स और ये एफ एक्स, यहां पर वाई इक्वल सी के इक्वल है। यदि मैं एक्स जीरो रख रहा हूं तो सी हमारा, यानी मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखता हूं तो हमारा एफ एक्स सी आ रहा है, जीरो पे भी, वन पे भी, टू पे भी, थ्री पे भी। इसी तरह माइनस वन पे भी सी, माइनस टू पे भी सी, अर्थात हमारी एक्स की वैल्यू चेंज करने पर वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हमारा फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब कॉन्स्टेंट फंक्शन के ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये एक्स है, ये हमारा जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। इसी तरह ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर। अब एक्स इक्वल जी मान ले रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है हमारा वाई इक्वल सी है। तो अभी वन पे भी इतना ही है, टू पर भी सेम है, थ्री पर भी नो चेंज, फोर पे भी नो चेंज, तो आगे भी ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह माइनस वन पे भी सेम वैल्यू, माइनस टू पे भी सेम, माइनस थ्री पे भी नो चेंज, माइनस फोर पे भी नो चेंज। तो जो ये वैल्यू है हमारी वाई इक्वल सी है, और एक्स हमारा, एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक्स की वैल्यू चेंज होती है, वाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ऐसे ग्राफ को कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ कहते हैं, यानी कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। बहुत ही सिंपल ग्राफ है हमारा, जिस पर एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है, वाई की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच दैट आर डिनोटेड आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर, यानी एक्स हमारा रियल नंबर होना चाहिए, वाई इक्वल एफ एक्स, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑन सोन ए एन एक्स की एन। जो हमारी ये एन है ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी लास्ट का एलिमेंट जो है ए एन नॉन निगेटिव होना चाहिए। ए जीरो ए वन ए टू ये हम हमारे सभी रियल नंबर होने चाहिए। अब कोई भी इक्वेशन जैसे x की थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इट इज पॉलिनोमियल, इसी तरह एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर फाइव प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इट इज पॉलिनोमियल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर वन, पॉलिनोमियल फंक्शन पर क्वेश्चन नंबर वन, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। हमें इक्वेशन y इक्वल एक्स स्क्वायर गिवन है, इसके रेंज और डोमेन भी हमें गिवन करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे हम x की वैल्यू प्लस माइनस रखेंगे y की वैल्यू हमारी प्लस आएगी। तो हम इसकी पहले टेबल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें टेबल ही बनानी चाहिए किसी भी ग्राफ को इजीली समझने के लिए। x और एफ एक्स की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ पर माइनस टू से स्टार्ट करता हूं, माइनस वन जीरो वन टू, ये मैं माइनस इन्फिनिटी तक ले सकता हूँ और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस टू पर हमें यहाँ जैसे माइनस टू रखेंगे प्लस फोर वैल्यू गिवन होती है। माइनस वन रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस वन, जीरो पर जीरो, इसी तरह वन पर वन और टू पर फोर। यदि मैं इसी तरह
माइनस थ्री रखता हूं तो प्लस नाइन, और प्लस थ्री रखता हूं तो प्लस नाइन हमें वैल्यू गिवन हो रही है। तो हम इसमें अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स इक्वल जीरो है, ये एक्स इक्वल वन, ये एक्स इक्वल टू, ये एक्स इक्वल थ्री, इसी तरह एक्स इक्वल माइनस वन, एक्स इक्वल माइनस टू, एक्स इक्वल माइनस थ्री। तो ये हमने कुछ पॉइंट अपनी तरफ से एक्स इक्वल प्लस माइनस वन टू थ्री वैल्यू पुट करी। जैसे हम जीरो पे देख रहे हैं हमारा ग्राफ, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। हम माइनस वन पे देखते हैं, माइनस वन पर जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो प्लस आ रहा है वाई। इसी तरह प्लस वन पर हम जब देखते हैं सेम हाइट आ रहा है, सेम हाइट पे, लेकिन वन पे वाई हमारा प्लस है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह माइनस टू पे जब हम देखते हैं तो माइनस टू पे हमारी जो वैल्यू वाई की आ रही है वो प्लस आ रही है। इसी तरह एक्स इक्वल टू पे जब देखते हैं तो वाई हमारा एक बार फिर प्लस आ रहा है। तो इसी हाइट पे हम टू पर वैल्यू, अब इसी तरह माइनस थ्री प्लस थ्री रखते हैं तो वाई की वैल्यू नाइन आ रही है। तो इसी तरह थ्री पर हमारी वैल्यू सेम हाइट पर आ रही है। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ओरिजिन से होके जा रहा है और सेम पॉइंट से होके जा रहा है, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसी हाइट पर सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमें थोड़ा सा बस ये फोकस करना है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन, यानी पॉलीनोमियल की जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन है। ये हमने ग्राफ ड्रा किया, ये जीरो पर, ये वन पर, ये माइनस वन पर, ये प्लस टू पर, ये माइनस टू पर, ये प्लस थ्री पर, ये माइनस थ्री पर। इस तरह ये हमारा ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी हमारा प्लस इंफिनिटी, यानी वाई की वैल्यू प्लस इंफिनिटी। यदि इधर चेक करते हैं एक्स की वैल्यू इंफिनिटी, इधर एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। नेक्स्ट हेडिंग रेशनल फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, पेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन वेयर जी एक्स नॉट इक्वल जीरो। जो हमारा अपॉन में फंक्शन है ये नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। यदि ये नॉट इक्वल जीरो नहीं है तो ये फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम ग्राफ और डोमेन एंड रेंज डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें सारा फोकस अपना एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स हमारा नॉट इक्वल जीरो है, यदि ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है तो दैट इज रेशनल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर टू, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स एंड फाइंड द रेंज एंड डोमेन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, इफ वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स, तो ये रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन है। तो यहां पर जब हम टेबल का डिस्कस करते हैं तो इस टेबल के डिस्कस में एक्स और एफ एक्स, यदि मैं x यहां पर 1 रख रहा हूं तो एफ एक्स हमारा 1, x यदि 2 रख रहा हूं तो जस्ट हाफ वैल्यू, यदि 3 रख रहा हूं तो 1/3, 4 रख रहा हूं तो 1/4, इसी तरह 5 तो 1/5, तो 6 वैल्यू रखने पर 1/6। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप पर डिस्कस करते हैं। यदि मैं यहां पर x 0 रखता हूं तो हमारा एफ एक्स यानी इंफिनिटी पर चला जाता है। इसी तरह यदि मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखता हूं तो एफ एक्स हमारा
यानी जीरो पे चला जाता है, प्लस इंफिनिटी रखता हूं तो जीरो पे चला जाता है। तो हमें इस ग्राफ का डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा एक्स इक्वल और वाई इक्वल, इसी तरह ये हमारा एक्स डैश है, तो हम देख रहे हैं जीरो पे इन्फिनिटी हो रहा है। यदि मैं एक्स जीरो रख रहा हूं तो वाई इन्फिनिटी हो रहा है, यानी हमारा ग्राफ इधर इन्फिनिटी से आ रहा है। यानी ये सोच लो जैसे जैसे मेरा ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, एक्स पर वन, टू पर और कम हो रहा है यानी वाई की वैल्यू और कम हो रही है, इसी तरह थ्री पर वाई की वैल्यू और कम हो रही है, फोर पर वाई की वैल्यू और कम हो रही है, और फिर मैंने देखा कि एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी यानी मैक्सिमम रखने पर हमारा वाई जीरो हो रहा है। तो इस टाइम का ग्राफ थोड़ा सा बेटा फोकस करना इस ग्राफ पे, ये हमारा वाई यानी एक्स इन्फिनिटी रखने पर, एक्स यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं इन्फिनिटी, तो ऐसी कंडीशन में वाई हमारा यानी इस लाइन को जो टच करेगा वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे करेगा। यानी एक्स ग्राफ को जब हमारा एक्स को एक्स एक्सिस को जब हमारा ग्राफ कट करेगा तो उस समय वाई जीरो होगा और वो डिस्टेंस एक्स की इन्फिनिटी होगी। यानी जब वाई एक्स को कट करेगा यानी वाई जीरो होगा तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होगी। तो सेम इसी तरह यदि मैं माइनस रख रहा हूं, माइनस वन पे माइनस वन, माइनस टू पे माइनस थ्री पर, माइनस फोर पर, माइनस फाइव पर, माइनस सिक्स पे, अर्थात अब ये दोनों माइनस है, ये दोनों ही माइनस है। जब दोनों माइनस होते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट्स में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स में। ऐसे ही जैसे मैं एक्स यदि जीरो रखता हूं तो वो जो वाई है मेरा इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी पे होगा, इसी तरह मैं एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी रखूंगा यहाँ पर तो वो एक बार फिर जीरो आएगा और वो लास्ट मोमेंट में आएगा यानी इधर लास्ट में आएगा। तो इस ग्राफ में बस थोड़ा सा हमें ये फोकस करना है, जब भी रेसिप्रोकल प्रॉब्लम हो, ग्राफ में रेसिप्रोकल प्रॉब्लम हो तो जो ग्राफ हम इधर बनाते हैं उसी का सिमेट्री इस साइड में यानी थर्ड में कर देते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर हो रहा है अपोजिट सिमेट्री का हो रहा है, यानी जब एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो प्लस आ रही है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट्स वाला सिमेट्री की कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन एफ एस डेट आर डिनोटेड आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल वन, एक्स ग्रेटर जीरो पर जीरो, एक्स इक्वल जीरो पे माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। अब इसे हम सिग्नम फंक्शन क्यों कहते हैं इस बात पर फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं एक्स इक्वल वन टू थ्री फोर कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं तो ये हमारा एफ एक्स जो वन है ये चेंज नहीं हो रहा, यहाँ तो जीरो है ये जीरो है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ लेस देन जीरो है, यदि मैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कोई भी वैल्यू एक्स की यहाँ पर लेस देन जीरो रखता हूँ तो जो हमारा एफ एक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू है वो फिक्स है, तीनों की तीनों वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब सिग्नम फंक्शन का डोमेन सदैव रियल नंबर होता है और रेंज रेंज तो जो यहाँ पर वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ माइनस वन जीरो वन तो इसकी रेंज हमारी माइनस वन जीरो वन भी। अब इसके हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं, ग्राफ पे फोकस करते हैं।
ये कोई हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस है। यहाँ जीरो पे हमारा जीरो है, यानी हमारा जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, x जीरो है तो y भी जीरो है। अब इस तरह हम यदि यहाँ ग्रेटर जीरो है, यदि हम ग्रेटर से वैल्यू कुछ भी ज्यादा मोर देन रख रहे हैं, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो वन है, y की वैल्यू वन है। तो जब y की वैल्यू वन है तो हम x कुछ भी रखें, वन रखें, टू रखें, थ्री रखें, फोर रखें, वो हमें कॉन्स्टेंट की कंडीशन में ले जा रहा है, यानी कॉन्स्टेंट फंक्शन वाला ग्राफ बन रहा है। इसी तरह अब जब हम लेस देन जीरो रख रहे हैं, यानी लेस देन जीरो रख रहे हैं, तो ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, तो उस कंडीशन में एफ एक्स जो है हमारी वाई इक्वल माइनस वन की कंडीशन में है, वाई इक्वल माइनस वन की कंडीशन में है, अर्थात ये हमेशा माइनस बना हुआ है हमारा और कॉन्स्टेंट वैल्यू है वाई इक्वल माइनस वन। तो यहाँ वाई इक्वल प्लस वन, यहाँ वाई इक्वल माइनस वन, जीरो पर जीरो, तो ये हमारा सिग्नम का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एफ सच दैट आर डिफाइंड आर वाई एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस टेन, डिफाइंड द रियल फंक्शन एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिफाइंड द रियल फंक्शन, इफ एक्स इक्वल जीरो देन एफ जीरो इक्वल टेन, इफ एक्स इक्वल वन देन एफ वन इक्वल अलेवन, इफ एक्स इक्वल टू देन एफ टू इक्वल ट्वेल्व। तो इसी तरह हमारी वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। इफ एक्स इक्वल माइनस टेन, तो देन जैसे यहां पर माइनस टेन रख रहे हैं तो एफ माइनस टेन हमें जीरो गिविन हो रहा है, यानी जीरो पर एक्स जीरो पर वाई की वैल्यू टेन है और माइनस टेन पर वाई हमारा जीरो है। तो ये सब हमारे वाई की वैल्यू है, एफ एक्स को वाई द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो ये हमारा डिफाइंड द रियल फंक्शन। तो अब जैसे कोई भी चीज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो यहां पर वाई कितना है हमारा टेन है, एक्स कितना है जीरो, यानी सी की वैल्यू हमें टेन भी बनेगी। इसी तरह यहां पर वाई हमें जीरो गिवन है और एक्स कितना गिवन है माइनस टेन, और सी की वैल्यू हम पहले गिवन कर चुके हैं, सी की वैल्यू क्या है माइनस एक बार फिर देखते हैं इसको वैल्यू चेंज करते हैं। यदि हमारा वाई इक्वल अलेवन है उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू हमें पता है टेन, तो एम इक्वल हमारी वन हो गई। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम हमारा वन और सी हमारा टेन। तो ये हमारा डिफाइंड द रियल फंक्शन, यानी ये हमारा इसका फंक्शन गिवन हो गया। अब इसके हम ग्राफ पर फोकस करते हैं, ड्रा द ग्राफ
जैसा कि हमने इसके ग्राफ में देखा x की वैल्यू जीरो रखने पर y इक्वल 10, यानी x जीरो और y इक्वल 10, तो ये डिस्टेंस हमने y इक्वल 10 सपोज किया। जैसे हमने -10 रखा, x की वैल्यू -10 रखी हमने, सपोज करो ये x इक्वल -10 है, तो इस पर y हमारा जीरो है। यदि हम 1 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2 रख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी प्लस इंफिनिटी तक। इसी तरह हम यदि -11, -12, -∞ रखेंगे तो हमारा ग्राफ ये -∞ और ये +∞, ये हमारा 0, 10 हुआ और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है -10, 0 है। तो x+10, यदि y=x+10 है तो उसका ग्राफ ये ड्रा हो रहा है, तो ये हमारा 0, 0 की कंडीशन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx फर्स्ट फंक्शन 1 - x, 4x < 0, सेकेंड फंक्शन fx=1, 4x = 0, थर्ड फंक्शन fx = x+1, 4x > 0। तो एक फंक्शन लेस देन जीरो और एक फंक्शन इक्वल और एक ग्रेटर पर, तो हमें ड्रा दी ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। तो ये ग्राफ को ड्रा करने से पहले हम कुछ पॉइंटों को फोकस करते हैं। जैसे यहाँ लेस देन जीरो है, यदि ये लेस देन जीरो है तो हम एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं, तो देन f-1, जब -1 रखेंगे तो ये हमारा +2 गिवन हो रहा है। इसी तरह एक्स की वैल्यू जब -2 रख रहे हैं तो f-2 हमारा -3 गिवन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर गिवन हो रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर से यानी एक्स तो हमारा माइनस है और वाई हमारा प्लस है। इसी तरह सेम यहाँ पर भी एक्स हमारा माइनस है और वाई प्लस है। अब जब ये माइनस है और प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट्स को डिनोटेड करते हैं, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट्स को डिनोटेड करते हैं, अर्थात जो हमारा ग्राफ फर्स्ट फंक्शन का है वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में है। अब हम देख रहे हैं कि x=0 पर हमारा जो फंक्शन है वो 1 है, यानी कॉन्स्टेंट है, 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो 0 और 1 पे बन रहा है, यानी 0, 1 आने का मतलब क्या है, वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे बन रहा है। अब इसी तरह हम जब पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पर f1 यानी 1 रखने पर हमारी वैल्यू 2 आ रही है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है फर्स्ट। इसी तरह x=2 रखने पर f2 हमारा यानी 2 रखने पर 3, ये एक बार फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, अर्थात हमारा जो ग्राफ है वो सेकेंड और फर्स्ट में और वाई एक्सिस पर है। तो बस हम अब इसी पॉइंट को फोकस करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमारा जो है 0 के लिए 0, 1, तो ये इस लाइन पर x 0 होता है और y नॉट 0 होता है, तो ये हमारा 0, 1 पॉइंट हमने सपोज किया। अब इस तरह -1 और 2
ये एक्स इक्वल माइनस वन, ये एक्स इक्वल माइनस टू, इसी तरह आगे एक्स इक्वल माइनस थ्री। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू लेस कर रहे हैं वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू लेस देन करते जा रहे हैं वाई हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब इसी तरह हम जब एक्स इक्वल हमने वन रखा था तो वाई हमारा टू डी वन हुआ, यानी सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। जैसे यहाँ माइनस वन पे टू था, यहाँ प्लस वन पे टू है, यानी वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अर्थात जो हमारा वन पर माइनस वन पर है वही हमारा प्लस वन पर है, जो हमारा माइनस टू पर है वही हमारा एक्स इक्वल प्लस टू पर है। इसमें हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और राइट साइड में ग्राफ के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो यानी ये प्लस इंफिनिटी की तरफ एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीज, लेकिन इस साइड में एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वाई हमारी इंक्रीज हो रही है। कुल मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट्स और सेकंड क्वाड्रेंट्स में वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और एक्स के लेफ्ट में होने के कारण एक्स की वैल्यू माइनस है, एक्स के राइट में होने के कारण एक्स की वैल्यू प्लस है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने ग्राफ समझाए हैं इनके पॉइंटों पर विशेष ध्यान देते हुए फोकस करते हुए इनको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।